तो दोस्तों मैं हूं बीके गोट फार्म जो पुष्कर राजस्थान के अंदर है और आज के इस वीडियो में हम लोग सिरोही ब्रीड की बात करेंगे। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां पे हर एक ब्रीड मिलता है, ओरिजिनल ब्रीड जैसा आप चाहो यहां पे आपको उपलब्ध हो जाता है। तो आइए मैं मिलवाता हूं यहां के ओनर साहब से और पूरी जानकारी देता हूं कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या आप फार्मिंग के लिए बकरी खरीदना चाहते हो या फिर आप कटिंग के लिए माल खरीद कर अपने एरिया में महंगा बेचना चाहते हो तो हर एक चीज उपलब्ध है यहाँ पे और पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हो आप? नमस्कार। सबसे पहले आप पूरा एड्रेस बता दो ताकि कोई आना चाहे तो आपके फार्म पे आसानी से आ सके। अपना बीके गोट फार्म कड़ेल में है, गांव के अंदर कड़ेल गांव पुष्कर, गांव पुष्कर के 8 किलोमीटर है पुष्कर से। ओके, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर से रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर पड़ता है। ओके, 25 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से है आप? 25 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे आपका फार्म स्थित है और आप पालने के साथ साथ बिजनेस भी करते हो, खरीद कर बेचते भी हो, ट्रेडिंग का और यहीं पर रखते भी है बकरे, बकरे रखते भी हो और ट्रेडिंग भी करते हो दोनों। ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे ये बताओ कि अगर कौन सा ब्रीड ट्रेड कर लेते हो, कौन सा ब्रीड मिल जाएगा? ऑल ब्रीड में काम करते हैं। ऑल ब्रीड में, यानी जो चाहिए उनको वो मिल जाएगा, बराबर। हम अगर आपके यहाँ राजस्थान में जब हम लोग घूमते हैं तो सबसे ज्यादा सिरोही देखने के लिए मिलता है। राइट, आपके यहाँ हर ब्रीड मिलता तो जरूर है लेकिन सिरोही पे ज्यादा लोग काम करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका रेट कम है और डिमांड ज्यादा है मार्केट में। वजह, डिमांड होने की वजह क्या है? आप तो पालते हो, आप लोग इसको जानते हो। क्योंकि ये दूध में भी अच्छी है और कटिंग में भी अच्छा रहता है इसका, वेट बढ़िया होता है, ग्रोथ अच्छा होता है और कुर्बानी टाइम में सबसे अधिक सिरोही जाता है राजस्थान से। सबसे ज्यादा सिरोही जाता है, ज्यादा सिरोही बकरा की डिमांड ज्यादा रहता है। सोजत का भी व्हाइट कलर में रहता है, सोजत गुजरात में अच्छा बिकता है, सोजत गुजरात में अच्छा बिकता है। सिरोही कौन से जगह में ज्यादा बिकता है? सिरोही ऑल ब्रीड में जाता है, हर जगह जाता है, हर जगह सिरोही की डिमांड ज्यादा रहती है। आपके पास जो हम लोग बकरी देख पा रहे हैं दूध वाली बकरी, कितनी लीटर तक हाईएस्ट दूध कर देती है? हाईएस्ट 2 लीटर वन टाइम, सुबह के टाइम 2 लीटर, शाम के टाइम 2 लीटर, 4 लीटर टाइम, मतलब पूरे दिन का 4 लीटर, 4 लीटर। बच्चा अगर नहीं पिलाते हैं तो? अगर बच्चा पिलाते हैं तो दूध, बच्चे को तो कम से कम 3 महीने तक दूध पिलाते हैं हम, दूध निकालते नहीं? हाँ, नहीं नहीं निकालते दूध, अगर तीन महीने के बाद में निकालते हैं। बच्ची बकरी दूध कितने दिन तक करती है क्रॉस होने के बाद? ये 5 महीने तक, 5 महीने तक क्रॉस हो जाती है। कितने दिन बाद? ये 3 महीने बाद, 3 महीने बाद क्रॉस करवा देते हैं। ओके, उसके बाद 2 महीना दूध निकाल लेते हैं, 5 महीने तक के कंटिन्यू बच्चा देती है, बराबर। 1-1.5 महीने जब बकरी बच्चा देती है तब 1.5-2 महीने बाद में देती है, मतलब 2 महीने बंद कर देती है बच्चा दूध देना, दूध देना बकरी खत्म हो जाता है बकरी का दूध, बराबर। हम लोग जो बकरी देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी बढ़िया ब्रीड में है, ये सब कैसे दे दोगे? ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो? ट्रेडिंग करेंगे तो 250 रुपए पर केजी दे देंगे। ये जो भी बकरियां हैं प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट बकरियां 250 और बच्चा दी हुई 300 रुपए पर केजी। यहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि जो अच्छी ब्रीड की होती है, अच्छी बकरी होती है, अच्छी वेट में होती है, उसको नहीं बेचते हैं लोग? नहीं नहीं, इधर कोई भी पालने वाला तो कोई नहीं बेचेगा, नहीं नहीं बेचेगा। जब बूढ़ी हो जाती हो या फिर अच्छा दूध पे नहीं हो तो उस तरह की बकरी देखने के लिए मिलता है। जो अगर किसान खुद, जो अगर फार्मर कोई खरीदने आ रहा है वो पसंद कर लेता है अच्छी बकरी तो उसका कैसे रेट लगेगा, उसके कैसे होगा? 300 रुपए पर केजी, उसका 300 रुपए पर केजी, किसान फिर तैयार हो जाता है देने के लिए। एक बकरी का वेट की बात करें तो कितना वेट होगा? एक बकरी का वेट आएगा कम से कम 60 से 70 केजी, 60 से 70 केजी, यानी कि 18 से 20 हजार अगर देते हैं एक बकरी का, 18 से 20 हजार रुपए की अच्छे से अच्छी क्वालिटी बकरी मिल जाएगी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। और अगर क्वालिटी में नहीं चाहते हैं तो 10 से 15 हजार के बीच में मिल जाएगी, राइट? 10 से 15 हजार रुपए। अब तो मीडियम साइज आ जाएगी कम से कम 14-15 के। अब हम बकरी की बात कर लिए, अब हम चाहेंगे कि बच्चे के बारे में बताएं कि कटिंग वाला माल अगर कोई खरीदना चाहता है जिसका कोई ब्रीड नहीं हो, क्रॉस ब्रीड हो, वेट में अच्छा हो, 15 से 20 मिक्स में आता है, हाँ 15 से 20 के जी वेट में आता है, वो आपके पड़ेगा कम से कम 240 मेल फीमेल मिक्स में, मेल फीमेल मिक्स में। मेल कितना होगा, ये फीमेल कितना होगा? कोई 50-50 देंगे, 50-50 देंगे। कटिंग वाला माल, कटिंग वाला माल क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ती है कटिंग वाले। कटिंग माल पैदा कहाँ से हो जा रहा है? पैदा भी इधर से होता है राजस्थान में, नहीं राजस्थान में, राइट, आपकी बात सही है। जैसे अगर हम आपके यहाँ किसान जो 50 बकरी या 20 बकरी पाल रहा है उसमें से कटिंग माल निकलता है? कटिंग माल निकलता ना, क्यों निकलता? अच्छी क्वालिटी का बकरा रहेगा तो बकरा बहुत महंगा बिकेगा और कटिंग का बकरा रहेगा वो सस्ते में मार्केट में आ जाएगा।
मतलब कटिंग माल पैदा कैसे हो जाता है किसान के पास, क्रॉस गलत करवाने से या फिर दूध बकरी का कम होने से ग्रोथ नहीं होता? दूध बकरी का कम होने पे और ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, तो बकरी छोटे हाइट में, जैसे अपन प्रेग्नेंट कराते हैं तो छोटी बकरी को, दो दांत की बकरी को हाइट कम रहेगी ना, तो ऑटोमेटिक उनके बकरे छोटे रहेंगे, हाइट नहीं होंगे बच्चे, तो कटिंग के हिसाब से आएंगे बकरे। अच्छा, यानी कि जो बकरी जो पठिया को हम लोग कम उम्र में क्रॉस करवा देंगे, क्रॉस करवाओगे तो उसका बकरा हाइट नहीं बढ़ेगा, बकरा चाहे कितना भी उसको दूध पिला दो, कितना भी किलो, कम से कम क्या उम्र होना चाहिए और क्या हाइट होना चाहिए, कुछ ऐसा वजन? हाइट कम से कम 36 से प्लस हो, और बकरी चार दांत के प्लस हो ना, तब उनको क्रॉस करवाना चाहिए, तब तक बकरी की हाइट अच्छी हो जाएगी। अच्छा, चार दांत होने पे क्रॉस करवाएंगे तो और अच्छा होगा, अच्छा होगा क्योंकि हाइट अच्छी हो जाएगी बकरी की। तो कितने चार दांत होने के बाद कितने बार बच्चा देगी अपने लाइफ में? वो कम से कम अपने दे देगी 15-16 बार, 15-16 बार। हाँ, फिर उसके बाद में बकरी कटिंग के लाइक हो जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी फिर। अच्छा, 15-16 के बाद वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाद कटिंग के लिए बेचना पड़ेगा, राइट? हाँ, ओके। ये तो बकरी की बात हो गई, जैसे आप बच्चे की बात हो गई, कटिंग वाला बाल आपने बोला 240 रुपए केजी दे दोगे, 240 रुपए पर केजी। और अगर उसमें पालने वाला अगर बच्चा हो, ब्रीड वाला बच्चा हो, और वो 2-3 महीने का बच्चा खरीद रहा हो, 4 महीने का बच्चा खरीद रहा हो, क्योंकि 3 महीने तक तो आप लोग दूध पिलाते ही हैं बच्चे को, 3 महीने तक दूध पीता रहता है बच्चा, 3 महीने के बाद जो बच्चा होगा लगभग 20-25 केजी होगा, वो कैसे केजी देंगे? 20-25 ये पड़ेगा 260 रुपए पर केजी, 200 पालने वाला, पालने वाला, ब्रीड वाला, ब्रीड वाला 260 रुपए केजी दे देंगे। ओके सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर कोई भाई आपसे आपके पास आना चाहता हो, आ भी जाए, उसको पसंद भी हो जाए, तो ट्रांसपोर्ट का क्या सेवा है, कैसे लेकर जाएगा? ट्रांसपोर्ट से पिकअप से है, पिकअप 14 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है, चाहे कहीं का भी हम करवा देंगे ट्रांसपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी गाड़ी में आईसर ट्रक ट्रक सब ट्रांसपोर्ट से करवा देंगे आप, कुछ खर्च 14 रुपए ये तो हो गया। बड़ी गाड़ी का कम से कम 60-70 बच्चे उसमें चल जाते हैं पिकअप में, 14 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलती है। ओके, पूरे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट, कहीं पे कोई दिक्कत? आप लोग पेपर वाइज भी कुछ करते हैं? पेपर सब कंप्लीट देता है, मेडिकल एडिकल बकरों का, और ये क्या बोलते हैं, गोट फार्म का बिल, सब मेडिकल सब कंप्लीट करके देते हैं, ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं कोई दिक्कत नहीं आता। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने दी है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।